नमस्कार, आप देख रहे हैं MSS न्यूज। मैं हूं आपके साथ बिस्टू राठौर। चलिए देखते हैं सबसे पहले सबकी खबर। बसरियर स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित सुपोषण स्वास्थ्य मेला लगाया गया। बसरियर विकास खंड परिसर में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सुपोषण स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कुपोषित बच्चे व गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार के बारे में जानकारी दी गई और बच्चों को व गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण भी किया गया। बसरियर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक विकास सचान की अगुवाई में मेले का आयोजन किया गया, जिसमें गर्भवती महिलाओं व कुपोषित बच्चों की जांच की गई और उन्हें दवाइयां व टीकाकरण भी किया गया। क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार। मिथिलेश जी, ये जो आपने मेला यहाँ लगाया है, क्या है ये, किस लिए? ये बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, मतलब कुपोषित बच्चों जो मतलब होते ना, उनके खाने मतलब साथ बताया जाएगा कि ये किस लिए, मतलब इस चीज में क्या, बच्चे स्वस्थ रहे खाने के लिए। तो कुपोषित बच्चों को क्या खाना चाहिए? धनिया है, खिचड़ी है, और मतलब जैसे हम लोग पुष्टाहार देते हैं उसमें पनीरी के लड्डू भी हैं, साथ में पुए बने हुए रखे हैं और सारी मेवा रखी हुई है, दालें हैं पौष्टिक। तो ये दालें जो है आप दिखाने के लिए रखे हैं कि ये दालें खाएं? गर्भवती महिलाओं को खाने के लिए, बच्चों को भी। बच्चों को भी? तो आप देती हैं कि उन्हें सिर्फ दिखाती हैं कि ऐसी ऐसी खानी है घर पे? नहीं, ये चीज घर पे खानी है, दिखाने के लिए मतलब दिखाने के लिए रखी है, गर्भवती महिलाएं खाएं तो मतलब बताने के लिए रखी है। सैंपल उधर पे उदाहरण सैंपल रखे उदाहरण के लिए।